स्टेट आपके बाजू यूपी का उत्तर भारत के ऊपर है बरनावा और आपका जो अभी उसकी और शाखाएं भारत में बना सकेंगे जिस तरह से आप उस उसी एरिए में पब्लिक लोगों के जिस तरह से सब प्रकार के सेवा प्रकार दे रहे हैं और सुधार रहे हैं तो साउथ में या उस तरफ में उसकी आपकी कुछ शाखाएं खोल रहे हैं। और दूसरा ये मेरा सवाल और भी है कि आपके पास बहुत सेवक लोग हैं, क्या आप भविष्य में आगे कुछ उन लोगों को राजकारण में सामाजिक में लाने की इच्छा कर रहे हैं? जैसे आपने पहली बात की तो हमारा मुख्य आश्रम जो हरियाणा में राजस्थान पंजाब का बिल्कुल वो बॉर्डर एरिया है, दिल्ली का भी और यूपी में भी आश्रम है, यहाँ पनवेल में आश्रम है। 94 में यहाँ पे हम लोग आए थे, 92-93 में यहाँ हमने बहुत सत्संगें की थी, तो यहाँ भी एक आश्रम है। तो पूरे देश में जगह जगह पे आश्रम है, विदेशों में भी हैं, लेकिन उसका मेन जो बात है वो यही है, किसी से दान नहीं लेते, अपने पैसों से जमीन खरीदी जाती है और वहीं के लोग अगर चाहते हैं कि आश्रम बनाओ तो बना देते हैं और वहीं के लोग संभालते हैं और वहाँ नशा छुड़ाऊ केंद्र और जो बुराइयाँ छुड़ाना वो चीज़ें वहाँ पर लगातार चलती हैं। तो ये लगातार हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। रही बात दूसरा आपका सवाल कि क्या राजनीति में, ये बचपन से हमें हमने कभी सोचा भी नहीं था। जी जी, आपने कुछ ऐसा किया, अपने आदमियों को उसमें भेजेंगे या कुछ? जो सेवक लोग बहुत हैं, आपके पास बहुत सेवक लोग हैं, जी जी, उनको भी कुछ आगे समाज सेवा करने के लिए या राष्ट्र के सेवा करने के लिए कोई ग्रुप या कोई पॉलिटिक्स पार्टी भविष्य में, हमें नहीं कह रहा अभी एक दो साल तीन साल, जो नवा युवक लोग को नेता बनाने की कोशिश में करना चाहेंगे किया जाना? जी वही बात हम कह रहे थे कि हम इसमें कोई ये चीज नहीं रखते। हाँ, जो 125-26 कार्य हम लोग कर रहे हैं, पूरे लोग मिलके कर रहे हैं और लाखों लोगों ने वो फार्म भरे हुए हैं कि हाँ हम ब्लड डोनेट करेंगे। हम सफाई महाभियान मुंबई में किया था, आपको याद होगा शायद, यहाँ इस महानगर को 6 या 7 घंटे में पूरा साफ कर दिया था और हो सकता है फ्यूचर में भी यहाँ के लिए भी ऐसा और सोचा जाए। तो वो लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पर वो पार्टी बना के और वो राजनीति में आने का ऐसा कभी सोचा नहीं। जी सो बाबा जी, जैसा अब चूंकि आप बॉलीवुड में हैं, बॉलीवुड के और प्रोफेशनल एक्टर्स जैसे ऋतिक हो या अक्षय वगैरह, उनकी तरह आप भी क्या कुछ वर्सेटाइल अपना एक्टिंग प्रूव करना चाहेंगे? चूंकि अभी तक आपने खाली MSG सीरीज की मूवीज ही की हैं, तो उसके बाहर भी क्या आप कोई और मूवीज करेंगे जैसे बॉलीवुड की टिपिकल मसाला मूवीज हों लाइक दबंग एंड ऑल दैट? हम मसाला तो नहीं ज़्यादा लगाएंगे और वो वाला मसाला कभी भी नहीं जिससे समाज बिगड़े। हाँ, बाकी सच्चाई वाला मसाला नहीं, वो हकीकत जो है वो हम करते रहेंगे। काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया है, अभी जैसे ये मूवी आई, इससे पहले एक मूवी बन के तैयार हुई है, वो है ऑनलाइन गुरुकुल, तो उसमें ये दिख पूरा एक जैसे अवतार मूवी आई थी उससे भी एक वो बड़ी मूवी है जो 3 घंटे तक चली गई, हमने बहुत जोर भी लगाया कि कम हो, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई गई कि पहले कैसे होता। तो इस टाइप की मूवी हम करना पसंद करते हैं कि जिससे समाज में बदलाव आए। हम कैसी एक्टिंग करेंगे कैसा नहीं वो तो आप लोग जाने, आपको MSG 2 अभी तक चल रही है, लगभग 1 साल होने वाला है, लोगों को बड़ी पसंद आई है, 5-6 शो उसके कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं और हमें लगता है कि अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी की जो बात है एक्टिंग है वो सही है, और आपको अगर पसंद नहीं आती तो हमें लगता है हम और सुधारेंगे ताकि आज के नौजवान और उसको अच्छे से देखें और आगे बढ़ जाएं। बाकी अलग से कुछ वो मसाला मसूला कभी सोचा नहीं इस तरह। गुरु जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगेन लेफ्ट में हूँ, लेफ्ट में। हाँ जी, हाँ जी सर, आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो? जी आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो? किसको? बेटे को उसका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज में, ज़्यादातर वो जो कार्य करता है गेम्स वो बहुत खेला है, क्रिकेट का नेशनल प्लेयर रहा है, शूटिंग गन शूटिंग का नेशनल प्लेयर रहा है, लॉन टेनिस का, अब इसका बेटा भी आगे खेल रहा है, वो 10 साल का है, तो ऐसा उसका कोई ख्याल आ गया तो उसको लॉन्च कर देंगे, उसमें कोई डर नहीं कि कोई कुछ करना चाहे। बेटियों ने चाहा, जैसे अभी देखा आपने, ज़्यादातर डायरेक्शन जो है बेटी ने किया है, हमने इसको सिखाया 2 फिल्मों पिछली और इसने पूरा डायरेक्शन किया है और इसने एक्टिंग भी की है। आप जब ट्रेलर के शुरू में देखते हैं जो गन लेके कह रही है कि सर का एक भी कदम ऐसा नहीं होता, तो वो बेटी ही है। और एक दूसरी बेटी जो हमारी बड़ी बेटी है वो भी इसमें एज ए हीरोइन, वो हमारी एज ए सिस्टर हैं, तो ये इनको तो क्या, अगर वो चाहेंगे तो उनको भी ले आएंगे जब वो उनकी इच्छा होगी।